दिस इज आजम एंड यू आर वॉचिंग सो राइडर। सो टाइटल थंबनेल देख के आप समझ गए, आज हम रिव्यू करने वाले हैं ग्लोब टॉरपेडो का, जो कि आपने रिसेंटली परचेज किया है। तो गाइस फिटिंग वगैरह जो मैंने इसी कर दी है, मैंने उसका वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि मैं चाहता हूँ ये वीडियो पूरा जो है वो पूरा साउंड का हो यार, इसमें फिटिंग वगैरह के लिए टाइम वेस्ट ना करें। सो गाइस ये है ग्लोब टॉरपेडो जो कि हमने परचेज किया है, अभी आपने देखा होगा लास्ट टू लास्ट व्लॉग में या मे बी लास्ट व्लॉग में आप देख रहे होंगे। ये हमने परचेज़ किया था ग्लोब टॉरपेडो करोलबाग से, जो कि है तकरीबन 1850 रुपये का, और जो कि हम जाकर लाए थे, और साथ में हमें मिला था एक डीबी किलर, हमने डीबी किलर भी लिया जो कि हमें 1850 के अंदर ही प्रोवाइड किया गया था। एक बार इसका साउंड सुनते हैं, पहले स्टेबल में देखेंगे डीबी लगाकर, फिर विदाउट डीबी का, और फिर मैं डीबी लगा के लो आरपीएम, हाई आरपीएम और मिड आरपीएम पे दिखाऊंगा, सेम फ्री फ्लो का भी तीनों उसमें। तो आप इन्हें देखकर वीडियो शुरू करते हैं। और डीबी किलर
गाइस कैसा लगा आपको साउंड, लो मिड और हाई आर पे में मैंने डीबी और विदाउट डीबी आपको ये दिखा दिया है। सो भाई कैसा लगा ये साउंड मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, और भाई कोई भी क्वेश्चन है आपका तो कमेंट कर दो किसी भी रिगार्डिंग पिकअप वगैरह। और हमने इसमें ये डीबी के साथ कैट के साथ लगाया तो हमें कोई इशू नहीं आया, ट्यूनिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं है, बस कैट साइलेंसर हटाया और साइलेंसर पर लगाया ये, हमने इसको कैट रिमूव नहीं किया है, डायरेक्टली फिट हो गया है। तो आप बात कर लेना ग्लोब वालों से, हमने वहीं से परचेज़ किया और आप नाम ले देना मेरे चैनल का कि आप दिखा भी देना मेरी वीडियो, तो आपको बेस्ट टू बेस्ट जो भी होगा वो आपको कर देंगे और भाई बेस्ट देंगे। और मैंने कहा इसी डी बी भी लिया था जो मुझे 1850 से पड़ गया था। सो गाइज आज के लिए वीडियो में, वीडियो भाई कैसा लगा ज़रूर बताना मुझे, कीप वॉचिंग कीप सपोर्टिंग सो राइडर।